मैं जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था तो लोग मेरे पे हंसते थे। जो भी मैंने क्रिकेट खेली उसमें शाहिद असलम को सबसे पहले टिक किया। तो फिर 2010 में शाहिद अफरीदी ने मुझे जो पिक किया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशहूर थे। सैयद अनवर को मैंने अगर रिप्लेस किया तो वो मुझसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे। तो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। ज़ाती तौर पर ये चाहूँगा कि बाबर 320 में 3 पे खेले। आई वॉज नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, मैं प्राइड हासिल करना चाहता था। 2014 में एक रूल चेंज किया इंटरनेशनल क्रिकेट ने। सैयद अजमल हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 दुनिया का प्लेयर, एक रात पहले वो नंबर 1 बॉलर था, अगले रात उठा तो टोटल डन हो गया। एक रोड मैप अपनी सेट किया गया जिसमें सैयद अजमल बचे, इसमें मोहम्मद हफीज़ बचे। तो मैं खुश हूँ कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा से आई है। यहाँ पे गरीब के बच्चे को खेलने के लिए पैसा चाहिए। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो सोचते थे वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं। दिन में जब मैं प्रैक्टिस पे गया तो मुझे रोका गया, मुझे कहा गया कि जी बाय रूल यू कैन नॉट प्रैक्टिस। मैं क्या, मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये याद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 19 साल क्रिकेट खेली हुई। मेरा ये है कि जब मुझे ये रोका गया तो मुझे तकलीफ बहुत हुई। पाकिस्तान ओवरसीज़ बाहर जाके नहीं जीत पाया अभी तक। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ना खेलना राइट प्रिपरेशन में टिक नहीं है, मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ सिलेक्टर ये बयान दे रहे होते हैं कि हम PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं। पाकिस्तान देखें कहीं पे भी खेलेगा, रहेगा हमेशा फेवरेट। आप बहुत सारे कैप्टन की कप्तानी में खेले और काफी खेले, तो आपको क्या लगता है कि किस कप्तान ने मोहम्मद हफीज का सही इस्तेमाल किया? देखिए, सारे कप्तान मेरे बहुत मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे दौर में। सबसे पहला जो कप्तान राशिद भाई थे, मैं उनकी हमेशा सबसे हाईएस्ट लेवल पे उनको रखता हूँ क्योंकि सबसे पहले कैप पाकिस्तान की उन्होंने रिप्रेजेंट की, मुझे दुआएं दी, मुझे बैक किया, मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा और मुझे ग्राउंड में बहुत ज़्यादा उन्होंने अलाउ किया टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। तो मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। फिर उसके बाद 2010 में जब मेरा कैरियर आधा इधर था, लोगों के ओपिनियन बन चुके थे 2007 में कि आई एम नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, और उनके बिल्कुल ठीक डिसीजन थे क्योंकि मैं जितनी भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी आई वाज नॉट जस्टिफाइंग दोज। तो मुझे लगता है कि 2007 तक के जितना भी मेरा कैरियर था वो इन एंड आउट होने की सबसे बड़ी वजह मैं खुद था। बट ऑब्वियसली ये हमारा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन हमारी सोसाइटी की लर्निंग्स ऐसी हैं, उसकी डेवलपमेंट ऐसी है कि हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ के अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं मैं ठीक हूँ, उसने मुझे सही इस्तेमाल नहीं किया। बट दैट टाइम एक्चुअली इट वाज मी जो सही बेहतर परफॉर्मेंसेज नहीं दे पा रहा था, जो अपॉर्चुनिटीज़ भी थी उसको मैक्सिमाइज नहीं कर रहा था। फिर 2007 से 2010 के पीरियड में मेरे कैरियर में मुझे शाहिद असलम ने बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैं बिल्कुल बिखरा हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने कैसे वापस आना है क्योंकि लोगों के ओपिनियन यही थे कि ही इज़ डन एंड डस्टेड, ही इज़ नॉट अ राइट प्रोडक्ट, अ गुड प्रोडक्ट टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल। वहाँ से मैं जब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था तो लोग मेरे पे हंसते थे, वहाँ पे बैठे हुए कि यार ये फिर आ गया तंग करने के। हालांकि मैं किसी को तंग नहीं करता था, मैं अपनी मेहनत कर रहा था, लेकिन मेरे मेहनत करने पर लोग हंसे, लोगों ने मजाक उड़ाया मेरे। वहाँ पर जाके सुबह फजर के बाद मैं जाता था, दोबारा फिर शाम को जाता था, तो लोगों ने इन 2 सेशंस को देख के मैं जो भी कर रहा था लोग उस पर हंसते थे कि यार ये फिर आ जाता, आगे ये क्या करता। तो समहाउ शाहिद असलम ने मैंने उनके साथ बैठ के बात की और उनके साथ काम शुरू किया और मेरी बैटिंग में जितना निखार आया 2007 से लेके अब तक जो भी मैंने क्रिकेट खेली उसमें शाहिद असलम को सबसे पहले टिक है। मैं उनका हमेशा मशकूर हूँ कि मेरे कैरियर के अंदर जो भी डेवलपमेंट हुई मेरे स्किल्स की वो उन्होंने मेरे साथ रहे। फिर जब मैं 2010 में मुझे लगा कि मैं राइट प्रोडक्ट अगेन टू प्ले एट हाईएस्ट लेवल, लर्निंग्स होंगी थी, फेलियर की सक्सेस होने की वजूहात पता लगी थी, अपना फेलियर मैंने मान लिया था कि मैं खुद सबसे बड़ा फेलियर हूँ, तो मुझे बेहतर बनना है, अपने खेल को बेहतर बनाना है, तभी मैं सक्सेसफुल रहूँगा। तो फिर 2010 में शाहिद अफरीदी ने मुझे जो पिक किया, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि वो उनकी कप्तानी में उन्होंने मुझे दोबारा से एक मौका मिला। फिर तब से लेके अब तक के जितना जो कैरियर मैंने खेला उसमें तमाम कप्तानों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन इन 2 कप्तानों को हमेशा स्टैंड आउट करूँगा, एक राशिद भाई और एक दूसरा शायद। अच्छा हफीज़ साहब, हमारे जहन में जो एक सवाल है कि आपने अपने कैरियर में जूनियर्स को चांस देने के लिए अपनी पोजीशन छोड़ दी, बल्कि एक दफ़ा नहीं 2 से 3 मरतबा छोड़ी, इस तरह इंजमामुल हक साहब ने भी किया, मगर आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार ही नहीं है, इसकी आपको क्या वजह लगती है? देखें, आपने जो देखा आपने वो बयान किया। मेरी लर्निंग्स ये हैं मेरी ज़ात की कि एक स्टेज जब आपको मिलती है पाकिस्तान लेवल पे तो आपके लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप अपनी सिलेक्शन और अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सको, आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आप उसमें परफॉर्म करो। फिर एक जोन आता है, एक स्टेज आती है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंसेस इतनी बढ़ जाती हैं कि फिर आप सोचते हैं कि आपने लेगेसी क्या छोड़नी है। आपने इस मुल्क के बाकी टैलेंटेड प्लेयर्स के लिए भी एक रास्ता उनको देना है ताकि वो ग्रो कर सकें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अबाउट मी। मैंने अपना रोल प्ले किया, मैं साइड पे हो गया। मुझसे पहले मेरे जो क्रिकेटर्स थे, सैयद अनवर को मैंने अगर रिप्लेस किया तो वो मुझसे बहुत बड़े क्रिकेटर थे, तो जब उन्होंने छोड़ा तो मैं आ गया, मुझे छोड़ा कोई और आ गया। तो दिस इज़ हाउ इट विल वर्क एवरी टाइम। तो होता ये है कि एक जोन ऐसा आता है जो मेरे पास आया, जो मेरी ज़िंदगी में मैंने उसको हमेशा कोशिश की। इनिशियली मैं भी यही सोचता था कि मैंने सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करना है। फिर जब 4-5 साल की परफॉर्मेंसेस ऐड हुई, अल्लाह ने हिम्मत दी, कप्तानी मिली, एक लीडरशिप दिमाग में आई कि यार इट्स नॉट अबाउट माई सेल्फ, मैं कप्तान तो हूँ जो टॉस करता है। तो वो लीडरशिप जो जब डेवलप हुई तो देन आई रियलाइज़ कि दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू प्ले एज ए प्लेयर, कि आपने दूसरों को एक कम्फर्ट जोन देना है ताकि वो भी आके बड़ी परफॉर्मेंसेस दे सकें और पाकिस्तान के लिए अगले 10-15 साल खेल सकें। मैं कप्तान था तो मैंने डेव वॉटमोर ने मुझसे जब बात की कि हमारे पास ओपनर का टैलेंट मौजूद है, यू कम एट नंबर 3 बिकॉज यूनस खान इज़ नॉट अ रेगुलर मेंबर ऑफ नंबर 3 एट द मोमेंट। तो मुझे जब ये मौका मिला, मुझसे बात की गई, तो मैंने हैप्पीली जस्ट हैविंग अ थॉट कि यार ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लड़का जो कहीं ना कहीं इंतज़ार कर रहा है वो ज़ाया हो जाएगा, और वो अच्छा प्लेयर भी है। तो मेरे पास इतना बैकअप है कि मुझे मैं नंबर 3 पे भी खेलूँगा तो आई कैन स्टिल कंटिन्यू माई क्रिकेट विद पाकिस्तान। तो मैं नंबर 3 पे आ गया कि ये ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले 10 से 15 साल के लिए, क्योंकि मेरी क्रिकेट 5 या 6 साल खेल लूँगा मैं मैक्सिमम। हो सकता है कि ये जो लड़का अगर ये डेवलप होता है नंबर 3 के ऊपर, जो लग रहा है कि उसके अंदर वो टैलेंट मौजूद है, तो अगर उसको 3 पर मौका मिले तो वो अगले 10 से 15 साल की प्रोडक्ट बनेगी पाकिस्तान के लिए। इसी तरह फिर 2018 में मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी क्योंकि मुझे ये लगा कि यार ये जो क्रिकेट है इसने मैं आई एम डन विद दिस। मैं मेंटली तौर पर उसको खेल के इंजॉय जितना करना था मैंने कर लिया। सो वाई नॉट टू गिव अ चांस टू सम यंगस्टर, जिसमें समी असलम है, जिसमें शान मसूद है, जिसमें और भी लड़के जो उस वक्त मुझे लग रहा था कि यार ये इस वक्त अवेलेबल है तो क्यों ना इनको मौका मिले। इमाम उस वक्त आगे हुए थे। तो ये स्टेज आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं, नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर द बिगर कॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हम सब लोगों की जो खेलने का मकसद है वो पाकिस्तान का नाम बड़ा करना है, अपना अपना रोल प्ले करना है। तो हमें ये सोचना ज़रूर है, चाहे वो जूनियर हो, चाहे जूनियर को थोड़ा टाइम चाहिए क्योंकि उसने अपनी ज़ात को एक जगह पे स्टेबल करना है, लेकिन व्हेन यू गेट इनटू अ सीनियरशिप जोन तो फिर आपने ज़रूर सोचना है कि अगर आपसे बेहतर अगले 10 से 12 साल खेलने वाली कोई प्रोडक्ट बैठी हुई है तो आपने उसको ग्रूम होने का, परफॉर्म करने का उतना चांस देना। मुझे लगता है कि मैच जीतने के लिए ज़रूरी है कि हमारे ओपनर्स आकर तेज़ खेलें तो पावर प्ले की अच्छी यूटिलाइजेशन होगी। मुझे लगता है कि ज़ाती तौर पर मैं बाबर और रिजवान की जो 2022 वाला वर्ल्ड कप था उसकी फेवर में था कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी T20 क्रिकेट के अंदर आपके पास ये वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। एरिया टू इम्प्रूव हमेशा ज़िंदगी में रहेगा। एरिया टू इम्प्रूव करने में उनका इम्पैक्टफुल स्ट्राइक रेट होना इन द फर्स्ट 6 ओवर्स, और जो बिग हिटिंग जो प्रोसेस है, जो पावर हिटिंग है, वो ऐड जितनी भी करते जाएंगे आजकल की मॉडर्न क्रिकेट में वो ज़रूरत है। तो बाबर और रिजवान बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन देयर इज़ नो हार्म टू गिव अ गो टू समवन एल्स। जैसे अभी साइम अयूब आए हैं, हमने उनके अंदर थोड़ी सी वो झलक देखी कि ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही कैन प्ले वेल। तो अगर हम उनके कंफर्ट जोन में उनको 3 पे खिलाएं, एक इनिशियल स्टेज का ओपनर एकदम से 4 पे नहीं खेल सकेगा, ये बड़ा मुश्किल है। आप सोचें बाबर आजम जैसा प्लेयर जिसने पाकिस्तान के लिए 12,000 उसके इंटरनेशनल रन हो गए हैं, वो कंफर्टेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि क्यों ना हम साइम को 3 पे ला के, मेरी अभी भी अगर मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं ज़ाती तौर पर यह चाहूँगा कि बाबर T20 में 3 पे खेले, क्योंकि उसका जो स्ट्राइक रेट है आफ्टर 6 ओवर्स, उसकी रोटेशन ऑफ सिंगल बहुत अच्छी है, उसके टेक्निकली चौके छक्के मारने की एबिलिटी है। लेकिन ये फैसला उसने लेना है कि क्या उसने अपने जोन में रह के क्रिकेट खेलनी है या उसने एक लेगेसी छोड़नी है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले फॉर पाकिस्तान, कि आपने अपने जोन से निकल के बाकियों को साथ लेके चलना है। तो मैं ये समझता हूँ कि चाहे बाबर हो, चाहे फ़खर हो, चाहे शाहीन अफरीदी हो, हम सब ने अपने साथियों को जो पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर वो इस काबिल हैं तो हमने उनको एक फेयर और एक कंफर्टेबल जोन में रह के उनको चांस ज़रूर देना है ताकि वो ग्रो कर सकें और पाकिस्तान को अगले लंबे 10 साल के लिए खेल सकें। हफीज़ साहब, आप उन बहुत कम खिलाड़ियों में से हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट ली। इस रिटायरमेंट लेने की वजह क्या थी? क्या आपकी चेयरमैन पीसीबी के साथ कोई कंट्रोवर्सी थी, या फिर आपने खुद सोचा कि बहुत क्रिकेट खेली, अब नए लोगों को चांस देना चाहिए, या फैमिली को टाइम दूंगा, या लीग खेलूंगा? इसमें क्या वजह थी सारी? देखिए, लाइफ में जब मैं क्रिकेट खेला तो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आई। सबसे पहले जब मैंने क्रिकेट शुरू की तो हम सब लोग अपनी परफॉर्मेंसेस के जोन में खेलते हैं ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ किसी जगह पे। फिर एक फाइनेंशियल एक साइड होती है जिसको आप सोचते हैं कि यार ये मुझे, अगर मैं खेलूँगा तो पैसे मिलेंगे, ऑब्वियसली फेम मिलेगा, सब चीज़ें आपके साथ आएंगी। वो एक जोन आया जब मैं उससे बाहर निकल आया। आई वॉज नॉट प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। मैं प्राइड हासिल करना चाहता था, मैं स्टैट्स हासिल करना चाहता था जो पाकिस्तान के लिए याद रखे जाएँ। मैं ऐसा परफॉर्म करना चाहता था जिसके साथ इम्पैक्ट आए, पाकिस्तान का जीत का इम्पैक्ट आए। तो जब वो सारी चीज़ें आई तो अल्लाह ने इसके साथ मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी डेवलप की, एक तसल्ली होनी मुझे शुरू हुई। जो मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी 2018 में, आज तक मुझे उसकी कोई तकलीफ़ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट मैंने बड़ी इंजॉय करके खेली और मैंने सेटिस्फेक्शन से छोड़ के साइड पे हुआ। वनडे क्रिकेट T20 जब मैंने छोड़ी तो मैंने खुद, मुझे लगा कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मी एंड विन विन सिचुएशन फॉर मी कि मैं छोड़ूं और बच्चे लड़के रेडी हैं, वो आके पाकिस्तान के नाम को अगले 10 साल के लिए खेलें। तो मेरे ख्याल में मेरे अंदर, अगर आप मेरे कैरियर की बात करें, मैं बाकी के कैरियर्स को तो नहीं सोच सकूँगा, लेकिन ये उनके फ़ैसले थे ज़िंदगी के जो उन्होंने किए, अच्छे या बुरे, दे नो बेटर अबाउट इट। लेकिन मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फ़ैसलों में ये फ़ैसला भी था कि मैंने पाकिस्तान का जो स्टेज मुझे अल्लाह ने नवाजी, मैंने उसको बड़ी खुशी और कामयाबियों और सेटिस्फेक्शन के साथ उसको छोड़ा, उसको अलविदा किया। हफीज़ साहब, एक बात बताएं, 2015, 2017 और 2019 में ICC की तरफ से आपके बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ लगाया गया। इसकी वजह क्या थी और ये एतराज़ दूर करना कितना मुश्किल था? ये मुश्किल तो बहुत था क्योंकि आपकी मसल मेमोरी रेडी होती है या यूज टू होती है, उसी तरीके से वो चलती है। अब मैं 2003 से खेल रहा था। एक मरतबा पहले 2005 में किसी ने मुझे किया था, क्रिस ब्रॉड ने शायद 2005 में, तो मैंने टेस्ट दिया, मैं पास हो गया, सब क्लियर हो गया। फिर मैं 2014 तक क्रिकेट खेलता रहा। 2014 में एक रूल चेंज किया इंटरनेशनल क्रिकेट ने, इस जो भी इसका क्राइटेरिया था उसको चेंज किया बॉलिंग के हवाले से। तो अगर वो चेंज हुआ था तो वो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ करें। अगर कोई भी क्राइटेरिया या कोई भी नई चीज़ आप लेके आएँ तो उसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा पाकिस्तान की मैनेजमेंट का भी कसूर है कि जब इनको ये सारी चीज़ें पता लगीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमेशा से ये रहेगा, शायद आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ना रहे। लेकिन यहाँ पे नॉन टेक्निकल लोग जो हैं वो सरबराह बन जाते हैं। जब वो बनते हैं तो वो फिर जब जाते हैं तो उनको वो समझ नहीं होती कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो जाके पर्क्स को इन्जॉय करके, वहाँ पर मीटिंग्स को इन्जॉय करके तो वापस आ जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ द गेम कहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट फैसले किए जा रहे हैं वो इसको नहीं समझ पाते। तो 2014 में कुछ ऐसे फ़ैसले हुए जिसके ऊपर पाकिस्तान को नुकसान हुआ क्योंकि वर्ल्ड कप था 2015 में। सईद अजमल, हमारा पाकिस्तान का नंबर 1 दुनिया का प्लेयर, एक रात पहले वो नंबर 1 बॉलर था, अगले रात उठा तो टोटल डन हो गया। तो आप देखें कि वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सका। तो इस तरह के रूल्स अगर कोई बन रहे थे तो उसकी राइट वे में मैनेजमेंट करना ज़रूरी थी, जो कि हमारी नहीं हो सकी। इंडिया ने की अपने प्लेयर्स की, क्योंकि इशू तो सिर्फ पाकिस्तान के 2-3 बॉलर्स में नहीं था, बाकियों में भी बहुत ज़्यादा था। तो उसको क्योंकि वो एड्रेस करके उन्होंने राइट वे में उसकी मैनेजमेंट कर दी। हम लोग क्योंकि इससे नावाकिफ़ थे, नॉन टेक्निकल लोग थे, तो वो चीज़ें जब आईं तो हम पे प्रेशर पड़े, हम लोगों को इन एंड आउट होते गए, और तब भी कुछ नहीं किया गया। तब भी कोई ऐसा एक रोड मैप नहीं सेट किया गया जिसमें सईद अजमल बचे, जिसमें मोहम्मद हफीज़ बचे। तो हम अपनी अल्लाह की रहमत से दोबारा से फिर बचे, दोबारा फिर गिरे, दोबारा फिर खड़े हुए। तो बहुत सी चीज़ें हुई, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था जिससे पाकिस्तान और भी क्रिकेटिंग नेशन जो हैं वो उन्होंने सफ़र किए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बहाल करने की बातें हो रही हैं। जब इसको ख़त्म किया गया था तो आपने और मिसबा हक ने इसकी खुलकर मुखालफत की थी। इसके बाद और भी खिलाड़ियों ने आपका साथ दिया। अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट को दोबारा रिवाइव किया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं, मिसबा और अजहर, हम इक्वली इकट्ठे रेडी हुए थे इस काम को करने के लिए, तो कतन मुझे क्रेडिट ना मिले। हम तीनों साथी थे, तीनों ने मिलके ये सोचा। मिसबा हेड कोच थे उस वक्त और आंखों का तारा भी थे क्रिकेट बोर्ड के, अजहर कप्तान थे, मैं हमेशा से चुभने वाला तारा था। तीनों ने मिलके आवाज़ उठाई और हम जब वहाँ गए तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सरबराह थे उनको ये बात पसंद नहीं आई, जिसके ऊपर आपने मिसबा के साथ बिहेवियर भी देख लिया उसके बाद, और अजहर अली के साथ भी देख लिया। मुझे अल्लाह ने फिर बचा लिया, शायद कि मैं कुछ अल्लाह ने मेरे लिए को आसानी रखी हुई थी कि मेरी परफॉर्मेंसेज ऐसी होती थी कि मुझे निकाल नहीं पाते थे। तो समहाउ तीनों के क्रेडिट जाता है। मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट की अंदर जो चीज़ ज़रूरी थी, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही एक हल है, हमने भी यही ऑप्शन दी थी कि आप इसको स्ट्रेट अवे ख़त्म ना करें, नया घर आपका बना नहीं, पुराने घर को आप तोड़ रहे हैं। तो 3 से साढ़े 3 साल आपने भी देखा, हमने भी देखा कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल कहीं पे कुछ नहीं हुई, कोई ऐसा रोड मैप सेट नहीं हुआ जहाँ से प्लेयर जो हैं वो उसको सक्सेस हासिल करके आगे चले जाए। तो मैं खुश हूँ कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट दोबारा से आई है, क्योंकि पाकिस्तान को कभी भी आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। दे आर वेलफेयर स्टेट्स। यहाँ पे गरीब के बच्चे को खेलने के लिए पैसा चाहिए। हमने यही बात की थी कि गरीब के बच्चे के खेलने के लिए यहाँ पे उसको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। आप हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो सोचते थे वो बिल्कुल ठीक सोचते हैं कि कंपेटिटिव क्रिकेट हो, लेकिन कंपेटिटिव के लिए हमें उनके जोन में घुस के क्रिकेट खेलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी आइडेंटिटी है, पाकिस्तान की अपनी एक बका का एक तरीका, हमने अपने तरीके से लेजेंड्स ऑफ द गेम हमने प्रोड्यूस किए हैं, तो हमें उससे नहीं हटना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बात होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल सपोर्ट जब तक नहीं रहेगी, एक गरीब माशरे के अंदर से बच्चा कैसे क्रिकेट खेलेगा? तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो रोल है वो बहुत शानदार रहा है, उसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आने के ऊपर मैं बहुत खुश हूँ। ये बड़ा खुशाइंद किस्म का डिसीजन लिया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोबारा से इसका जो रिवाइवल है वो पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर मज़ीद जो लेजेंड्स हैं उनकी प्रोडक्शन के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। एक और चीज़ है कि कुछ अर्सा कबल सुनने में आया कि आपको NCA में प्रैक्टिस से रोका गया था। क्या वाकई में आपको NCA में प्रैक्टिस से रोका गया था और उसकी वजह क्या थी और आपको रोका किसने था? जी, ये बड़ा सैड इंसिडेंट है। मैं जब गया तो रिटायरमेंट के बाद तो मैंने ऐसे सोचा, मैं क्या मैं जाता हूँ 3-4 माह के बाद। आई थॉट कि यार नेशनल क्रिकेट अकेडमी, ऑब्वियसली वहाँ पे दिन रात की मोहब्बत और प्यार वहाँ से गुजरा हुआ। अगर नेशनल क्रिकेट अकेडमी ना होती तो शायद हम लोग इतने पॉलिश भी ना होते। तो मैं उस जगह पे दोबारा वापस गया, जाके मैंने एक दिन प्रैक्टिस की। अगले दिन मैं जब मैं प्रैक्टिस पे गया तो मुझे रोका गया, मुझे कहा गया कि जी बाय रूल यू कैन नॉट प्रैक्टिस। कि रूल ये है कि आप 2 साल अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली हुई तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सके। तो मैं हंस पड़ा, मैं क्या मुझे ये तो नहीं पता, मुझे ये याद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए 19 साल क्रिकेट खेली हुई है और मैं तीनों फॉर्मेट का कप्तान हूँ। और मैं यहाँ पर उस टाइम आया हूँ जहाँ यहाँ पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज किस्म का कैंप या कोई चीज़ नहीं हो रही, तो ये फ्री टाइम है। तो आई एम जस्ट यूजिंग दैट फैसिलिटी वंस अगेन। मेरा ये है कि जब मुझे ये रोका गया तो मुझे तकलीफ बहुत हुई, लेकिन मुझे लगा कि मुझे अभी पता लगा, रिसेंटली मुझे 1-2 क्रिकेटर से मुलाकात हुई। देखें, ये NCA जो है इसका इस्तेमाल राइटली होना चाहिए और जो भी पाकिस्तान की प्रोडक्ट है उसका हक है कि वहाँ पे जाके वो उसको राइट वे में इस्तेमाल करे। जैसे बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स जो अभी फ़िलहाल डिस्कार्डेड हैं, उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा। अगर वो इस जगह पे जाके अपने स्किल्स पॉलिश नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हफीज़ साहब, इस वक्त वर्ल्ड कप हो रहा है, तमाम क्रिकेटर्स की और तमाम क्रिकेट शायकीन की इस वक्त नज़र वर्ल्ड कप पर है। आप इस वक्त पाकिस्तानी टीम के कम्बिनेशन को कैसे देखते हैं और आपका क्या ख्याल है, इस टीम के साथ पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकता है? कोई चांस है हमारे पास? देखिए, पहले तो ये है कि पाकिस्तान की टीम अच्छी टीम खेल रही है, लेकिन इनकी प्रैक्टिस कम हुई है। इनके हाई इंटेंसिटी मैचेस खेलने की अभी तक जो है वो जोन में नहीं खेल पा रहे। पाकिस्तान ओवरसीज़ बाहर जाके नहीं जीत पाया अभी तक बड़ी मैचेस। एक साउथ अफ्रीका में जाके हमने जीता, लेकिन जब उनकी मेन टीम थी तो हमने मैच हारा। जब उनके 5-7 प्लेयर चले गए तो हमने 2 मैच जीत लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हाई इंटेंसिटी क्रिकेट ना खेलना पाकिस्तान की राइट प्रिपरेशन में टिक नहीं है। मुश्किल है इस वक्त पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान को विद इन दैम सेल्व्स आई बिलीव कि इनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है, इनकी पहले जो 4 प्लेयर हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छी उनकी परफॉर्मेंसेस का उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है। लेकिन 5 और 6 या 4 और 6 जहाँ पे भी कोई सेटलमेंट है, आई थिंक दे मेड अ राइट डिसीजन। और मैं बड़ा हैरान था कि इफ्तिखार अहमद को क्यों नहीं पहले खिलाया जा रहा था। तो मेरा ख्याल है रिसेंटली मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी कि उसको मिलना चाहिए और उसको मौका मिला और उसने प्रूव किया। तो मुझे लगता है कि अब इसके साथ स्टिक रहना चाहिए इफ्तिखार के साथ। आगा सलमान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और उसकी जो यूटिलाइजेशन एज ए बॉलर है, आई थिंक वो अभी भी अंडर यूटिलाइज है। तीसरी एक ऑप्शन जो मुझे हमेशा मैं समझता हूँ कि अगर उसको कंसिडर किया जाए वो है साउथ शकील, क्योंकि उसके अंदर बहुत टेक्निकली ग्रोथ है, उसकी एक प्रोडक्ट है पूरी जो साथ में 4 या 5 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिन भी कर सकता है, फील्डर अच्छा है। तो ये बेहतर फील्डर भी हैं, बेहतर पैकेज भी हैं, बेहतर टेक्निकली इनकी ग्रोथ भी है। ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है और अभी टीम में जो खिलाड़ी हैं इनमें से 2 से 3 खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, बाकी तो कोई नहीं खेलते। अनफॉर्चुनेटली हम PSL या T20 की बेस पर खिलाड़ियों को टीम में डाल देते हैं। इसलिए फेलियर होने की जो वजह है वो नहीं लोगों को समझ आ पा रही कि जब तक आपकी ग्राइंडिंग नहीं हुई होती तो आप पॉलिश नहीं होते। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली हमारे चीफ सिलेक्टर ये बयान दे रहे होते हैं कि हम PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर टीम सिलेक्ट करते हैं, तो मैं उस पर भी हैरान हो जाता हूँ कि यार उचियाँ शाना तो पुठियाँ समझा। हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के चेयरमैन भी आते हैं तो पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे फैसले ले रहे होते हैं, तो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन फिर भी हम एक बेहतर टीम है, इसमें कुछ चीज़ों के ऊपर राइट पिक्स हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ टैलेंट है, लोग मौजूद हैं। लेकिन अगर आप वर्ल्ड कप के लिए बात करें तो मुझे पाकिस्तान की मॉडर्न क्रिकेट ना खेलने की कमी पाकिस्तान की सक्सेस को लेके, पाकिस्तान देखें कहीं पे भी खेलेगा रहेगा हमेशा फेवरेट, लेकिन पाकिस्तान का इंडिया में जाके अगर पाकिस्तान ने मॉडर्न क्रिकेट ना खेली, मॉडर्न वे ऑफ इम्पैक्टफुल क्रिकेट ना खेली, तो पाकिस्तान के जीत के जो चांसेस हैं वो कम होंगे।